أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. हमारे दरस कुरान के सिलसिले में इस वक्त सूरतुल बकरा की आयात मुबारका में दरस चल रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते सूरतुल बकरा की आयत नंबर 90 और आयत नंबर 91 आप हजरात के सामने पढ़ करके इसकी वजाहत की थी। आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा आयत नंबर 92 और आयत नंबर 93 दो आयतें तिलावत की हैं। इन आयत पाक की रोशनी में बातें अर्ज की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाएं कि अल्लाह हम सबको समझ करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल बकरा की इन आयात मुबारका में जो हमारा मजमून चल रहा है, जिस बात को अल्लाह बार बार जिक्र फरमा रहे हैं, वो सिलसिला मजमून से वाकिफ हैं आप हजरात के बनी इसराइल के कुछ मखसूस अमाल और बनी इसराइल की कुछ खास हरकतें की, जिनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात मुबारक में फरमाया है। इस वक्त में जो आयत है सबसे पहले हमारे सामने वो आयत नंबर 92 है। मैं इसका तर्जमा पहले आपके सामने अर्ज कर दूं, उसके बाद इसकी वजाहत करेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाने वलकद जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात। अल्लाह कह रहे तुम्हारे पास मूसा आए थे मुअजिज़ात को लेकर के। सुम्मत तखदतुमुल इजला मिन बादिही, फिर तुमने खुदा बना लिया एक बछड़े को हजरत मूसा के बाद। वअन्तुम ज़ालिमून, और तुम बड़े ज़ालिम हो। ये है यहाँ पर आयत नंबर 92 जो अल्लाह ने यहाँ जिक्र फरमाई है। अब इस आयत पाक में अल्लाह जिक्र क्या करना चाह रहे हैं, जरा इसको वजाहत के साथ समझ लें। देखिए बनी इसराइल, हर हफ्ते आप वाकिफ हो रहे हैं बहुत लंबे अरसे से बनी इसराइल और इनके सिलसिले से। इनका सिलसिला हजरत इसहाक अलैहि सलाम की औलाद में हजरत याकूब और उनकी सारी औलाद, ये बनी इसराइल है, वहां से ये सब चले आ रहे हैं बनी इसराइल का सिलसिला। अब ये जो हजरत याकूब की औलाद में सारे के सारे ये बनी इसराइल हैं, जितनी भी औलाद है उनकी वो सारी के सारी कहलाई है क्या, बनी इसराइल। और वजह क्या बताई थी मैंने आपको बनी इसराइल कहने की उनको, इसलिए कि हजरत याकूब का लकब था, हजरत याकूब का लकब था इसराइल। हजरत याकूब का लकब क्या है, इसराइल। तो जो उनकी आगे औलाद होगी खुद ब खुद वो क्या कहलाएगी, बनी इसराइल। तो हजरत याकूब की सारी औलाद ये बनी इसराइल के नाम से मशहूर हुई। इनमें अल्लाह ने बहुत सारे नबी भेजे, ये भी आप बार बार सुनते चले आ रहे हैं। इनमें जो दो मरकजी नबी आए, जो दो बड़े अहम और बुनियादी तौर पर अल्लाह ने जिन्हें नबुव्वत अता फरमाई, नबी तो सैकड़ों आए हैं यहाँ, हजारों की तादाद में अंबिया हैं बनी इसराइल में, लेकिन दो बहुत बड़े नबी आए हैं जिन्हें अल्लाह ने
باقاعدہ کتاب بھی دی تھی۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دو مرکزی نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی اوپر ذکر فرمایا تھا کہ ہم نے بہت سارے نبی بھیجے، اب اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارے پاس اپنے بڑے نبیوں میں سے ایک بڑے خاص نبی بھیجے جن کا نام ہے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ یہاں پر 92 نمبر کی جو آیت ہے اس میں بنی اسرائیل کے اندر جو ہزاروں نبی آئے ہیں ان نبیوں میں سے اللہ ایک خاص نبی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ خاص نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا، کیا لے کر آئے؟ بالبینات، وہ بینات لے کر کے آئے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا ابھی اوپر بھی یہ لفظ آ چکا ہے پچھلی آیت میں، اور وہاں پر اس کا مطلب بتایا تھا۔ بینات کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ دیکھیں یاد ہے تو زور سے بولیں نا، صحیح ہے ماشاء اللہ، کیا؟ معجزات۔ تو بینات کہا جاتا ہے معجزات کو۔ اللہ فرما رہے کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر کے تشریف لائے، وہ معجزات کے ساتھ تمہارے پاس آئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے انتہا معجزات سے نوازا تھا، بہت سارے معجزات۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ نے صاف ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ۔ تِسْعُن کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نو، نئی۔ تو یہ جو نو کا لفظ ہے اس کو عربی زبان میں تِسْعُن بولا جاتا ہے، تا سین عین، تِسْعُن۔ تو اللہ فرما رہے موسیٰ آئے تمہارے پاس معجزات لے کر، جن معجزات کی تعداد 90 ہے۔ اب 90 کا مطلب کیا ہوگا؟ کتنے؟ 9 معجزات۔ اب اگر ہم قرآن پاک ہی کے اندر حضرت موسیٰ کے معجزے گنے نا تو 9 سے بھی زیادہ ہیں، بہت سارے معجزات اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائے، لیکن اللہ نے خاص طور سے حضرت موسیٰ کے 9 معجزات کا ذکر کیا۔ معجزات تو بہت سارے ملے لیکن خاص طور سے 9 معجزات کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور اللہ یہاں پر بھی انہی معجزات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو ہم نے ایک تو نہیں بلکہ بہت سارے معجزات لے کر کے روانہ کیا۔ بھائی اگر کوئی جادوگر بھی ہوگا تو وہ ایک دو چیز دکھا دے گا، ایک آدھ فن آئے گا جادوگر کو۔ اس زمانے میں لوگ یہی کہتے تھے نا کہ یہ جو کام ذرا سب سے ہٹ کے کر کے دکھا رہے ہیں یہ جادو سے ہے، تو جادوگر تو ایک دو کام میں ماہر ہوگا، وہ 10 یوں 20 یوں کام نہیں کر سکتا، ہر فن کے اندر ماہر نہیں ہوتا۔ کسی کو اگر یہ آتا ہے کہ وہ ڈبے میں انسان کو کھڑا کر کے گردن غائب کر دے گا تو وہ گردن ہی غائب کرے گا، آپ کہیں گے ٹانگیں غائب کر دے، اس کی تو ٹانگیں نہیں ہوں گی غائب۔ تو جادوگر کا جو سارا کمال ہے نا وہ ایک معجزہ نہیں، وہ تو صرف ایک دھوکے بازی ہے اور ایک دو عمل کے ساتھ میں جڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو 10 معجزات دے کر کے بھیجا تاکہ قوم انہیں جادو کے ساتھ نہ جوڑ سکے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ عمل یہ عمل یہ عمل، کتنی چیزوں کو تم جادو سے جوڑو گے، ایک آدمی کتنی چیزوں میں مہارت حاصل کرے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بے شمار عطا فرمائے، ان میں سے 9 سب سے خاص تھے۔ کون کون سے 9 ہیں وہ سب سے خاص معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے؟ وہ مختصراً میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں، ان کو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو خاص طور سے بڑے بڑے 9 معجزات عطا فرمائے، جس کا اشارہ اللہ نے دوسری آیت میں بھی کیا۔ یہاں تو خالی یہ کہا کہ موسیٰ کو ہم نے معجزات دیے لیکن یہ نہیں کہا کہ کتنے دیے، دوسری آیت پاک میں اللہ نے کہا ہم نے 9 بڑے بڑے معجزات دیے۔ تو میں ان کے وضاحت ہلکی سی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کن کن معجزات کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا۔ معجزے کا تو مطلب پتہ ہوگا نا، معجزہ اس کام کو کہا جاتا ہے، اس لیے وضاحت کر دوں کہ کبھی بعد میں پتہ لگے
कि बहुत सारे अफराद कोई ऐसा हो कि जिसको सुनता तो रहे मौजिज़े का मिला मौजिज़ा मिला, लेकिन किसी को ये ना जहन में हो कि मौजिज़ा होता ही क्या है, तो आगे की सारी बात समझ में आनी मुश्किल हो जाती। तो जिन हजरात को पता है वो तो जानते हैं, लेकिन जो जिनके जहन में नहीं है उनको याद रखना चाहिए कि मौजिज़ा वो काम कहलाते हैं जो काम अल्लाह किसी नबी से करवाए जो आम आदमी ना कर सके, वो काम जो नबी करके दिखा दे और एक आम आदमी ना कर सके, उन कामों को कहा जाता है क्या? मौजिज़ा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से चांद के दो टुकड़े करके दिखला दिए, ये क्या कहलाएगा हुज़ूर का? हम उंगली क्या कुछ भी इशारा करते रहे कुछ भी फर्क चांद पे नहीं पड़ता, हुज़ूर के इशारे से दो टुकड़े हो गए, ये अल्लाह के नबी का मौजिज़ा है। अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़िश्ता वक्तों में जिक्र आया था, अल्लाह ने उन्हें मौजिज़ा दिया, सर पर हाथ फेरने आंखों पे हाथ फेरने तो बीना नाबीना की बीनाई वापस आ जाती थी, अब अगर मैं और आप फेरें तो नहीं आती, हजरत मूसा ईसा के हाथ फेरने से वापस आ रही है, इसको क्या कहा जाएगा? हजरत ईसा का मौजिज़ा। इसी तरह हजरत दाऊद हैं, हजरत दाऊद को अल्लाह ने कुदरत अता फरमाई, हाथ में लोहा लिया और ऐसे दबाया तो जिधर को चाहते थे उसे दबा देते थे, एक मोम की तरह लोहा हाथ में मोड़ता था, जैसे हम और आप गूंधा हुआ आटा हो और उसे हाथ में ले करके उसकी जो चाहे बना ले वो चीज बन जाती है आराम से, इसी तरह हजरत दाऊद लोहे को आराम से हाथों से ऐसे आराम से मोड़ते थे और लोहा आराम से मुड़ जाता था, ना हथौड़ा चलाना ना उसको गर्म करना कुछ नहीं, हाथ में लिया उंगली में दबाया और लोहा मुड़ गया, अल्लाह ने ये कुदरत अता फरमाई थी, इसको क्या कहा जाएगा? हजरत दाऊद का मौजिज़ा। तो मौजिज़े ये होते हैं जो नबी करके दिखाए और आम आदमी ना कर सके। अल्लाह ने हजरत मूसा के बारे में फरमाया कि हमने हजरत मूसा को बहुत सारे मौजिज़ा अता फरमाए, उनमें से कुछ मशहूर मौजिज़े नौ की तरफ अल्लाह ने इशारा किया, उन नौ का मुख्तसर सा जिक्र मैं कर रहा हूं कि वो मौजिज़ा कौन से थे। नंबर एक, सबसे पहला मौजिज़ा सबसे ज्यादा मशहूर है, आपने बार बार यहां दर्स में भी सुना है, अल्लाह ने हजरत मूसा को एक कमाल का डंडा अता फरमाया था, वमा तिलक बियमीनिका या मूसा, अल्लाह पूछ रहे सोलहवें पारे में सूरह तौहा के पहले रुकू में हजरत मूसा हाथ में डंडा रखते थे, अल्लाह पूछते वमा तिलक बियमीनिका या मूसा, मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है, यमीन कहा जाता है दाएं हाथ को, वमा तिल का और क्या है वो, बी अमीनी का तुम्हारे दाएं हाथ में, या मूसा ए मूसा। इसके ऊपर एक लतीफा भी लिखा है मुफ्ती महमूद साहब ने, हजरत ने फरमाया एक शख्स ने चोरी की, चोरी की और चोर का नाम था मूसा और माल चुरा के भागा, अब भागने के बाद पब्लिक उसके पीछे, वो आगे आगे उसको कोई जगह नहीं मिल रही भाग छुपने की, कहां जाऊं, उसने देखा मस्जिद आ गई का जाके नियत बांध लेता हूं, तो जो चोरी का माल था वो उस चोर ने देखे कितना दिमागदार है, वो चोरी का माल यहां रखा बगल में और जाकर के नियत बांध के खड़ा हो गया। अब अल्लाह का करना, जो इमाम तिराग कर रहा था उसने यही आयत पढ़ दी इसके नियत बांधते ही, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है, इससे लगा के लग रहा इमाम को भी पता लग गया, वो है ना मसल मशहूर चोर की दाढ़ी में तिनका, जो आदमी मुजरिम होता है ना उसे हर चीज ऐसा लगता है शायद मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, मुजरिम हर बात में अपने आप को मुखातब समझता, उसने कहा लग रहा है इमाम को भी पता, नियत तोड़ के फिर भागा वहां से। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा कि वहां पर अल्लाह ने कहा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा क्या है ये तुम्हारे दाएं हाथ में, औला ही आसा है, ये अल्लाह ही मेरा डंडा है, आसा बोला जाता है डंडे को, हाथ में जो लाठी डंडा लिया जाता है वो आसा, तो आसा बोलते वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, औला ही
मेरी आशा है, या अल्लाह ये तो डंडा है मेरा। अतवक्कु अलैहा व अगुश्शु बिहा अला गनमी, या अल्लाह कभी तो इस पे सहारा लगा लेता हूँ, कभी बकरियां चराने में, बकरियों के चराने में भी काम में आकर। अल्कियासा, ए मूसा जरा जमीन पे डालना। हजरत मूसा ने डाल दिया। फ़ाइदा हिया हय्यतुन तसा, जैसे ही वो जमीन पे गिरा अल्लाह ने उसे सांप बना दिया। ये अल्लाह ने सबसे पहला मौजिजा दिया था हजरत मूसा को, हाथ में रखो तो डंडा और जमीन पे फेंक दो तो सांप। ये मौजिजा था हजरत मूसा का सबसे पहला। अल्लाह जिन खास मौजिजात का सूरतुल बकरा आयत नंबर 92 में जिक्र कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला अल्लाह ने हजरत मूसा को जो खास मौजिजा दिया वो ये था कि इनके हाथ में जो डंडा रहता था, हाथ में रहते वक्त में डंडा और जमीन पे डालने के बाद सांप बन जाता था। अल्लाह ने ये इनको कमाल की चीज और मौजिजे के तौर पर यह कुदरत अता फरमाई थी। दूसरी चीज, दूसरा मामला था हजरत मूसा के साथ में यदि पैजा। यदि पैजा का मतलब क्या होता है? ये हाथ था, नॉर्मली हाथ है, हजरत मूसा इसको अपनी बगल में डालते थे, तो जब बगल में डाल के इसको अपने बाहर निकालते थे तो फ़ाइदा ही बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, चमकता हुआ हाथ बाहर निकलता था, जैसे लाइटें जल रही हूं हाथ में। नॉर्मली हाथ हजरत मूसा का बगल में डाला, बाहर निकाला, चमकता हुआ हाथ बाहर आया। ये अल्लाह ने दूसरा मौजिजा हजरत मूसा को अता किया था। तो पहला मौजिजा हाँ आशा दिया था, और आशा की तफसील अब याद रखिएगा। तो पहला मौजिजा आशा, दूसरा मौजिजा यदे पैजा। यद के माना आते हैं हाथ के, हैंड, जिसे आप हैंड बोलते हैं अरबी में उसे यद बोलते हैं। तो यदे पैजा, और पैजा बोला जाता है व्हाइट को, तो यदे पैजा चमकता हुआ हाथ अल्लाह ने हजरत मूसा को अता फरमाए थे। ये दूसरा मौजिजा। तीसरा मौजिजा, अल्लाह ने उन लोगों की अकल ठिकाने लगाने के लिए जो हजरत मूसा को मान नहीं रहे थे, तो कुछ ऐसी चीजें भेजी जिससे उनकी अकल जरा ठिकाने लगे। उनमें पहली चीज थी, अल्लाह ने जबरदस्त किस्म का तूफान अता फरमाया ताकि कौम अल्लाह की गुस्से और नाराजगी की कैफियत को देख करके लाइन पर आ जाए। तो कौम के ऊपर एक खतरनाक किस्म का तूफान आया। इसकी तफसील जब ये आयत आएगी तब मैं करूंगा, अभी यहाँ पर आपको खाली गिनती में याद रखना है कि ये तीसरा मौजिजा था जो तूफान की शक्ल में अल्लाह ने अता फरमाया। कितने हो गए? तीन। पहला आसान, दूसरा यदे फैजा, और तीसरा तूफान। तूफान की शक्ल में कौम को हिदायत पे लाने के लिए एक पकड़ की कैफियत। चौथी चीज, अल्लाह ने इनके कौम को, बनी इसराइल को सुधारने के लिए जो चौथा काम किया था वो था इन पे टिड्डियां भेजती थी, बे इंतहा टिड्डी। जो चीज खोले उसमें टिड्डी, जहां जाए बिस्तर पे जाके लेट रहे, लेटने लगे वहां पे 150 टिड्डी, किचन में जाए हर बर्तन में टिड्डी। जो एक मखसूस छोटा सा एक जानवर होता है, अभी कुछ दिन पहले उसका बड़ा शोर चला था टिड्डी दल के नाम से, तो वो टिड्डियां अल्लाह ने अजाब की शक्ल में बनी इसराइल पे मुसल्लत कर दी। ये चौथी चीज थी जो अल्लाह ने इनके सामने जाहिर फरमाई। तो पहला आशा था, दूसरी चीज यदे पैजा थी, तीसरी चीज तूफान की शक्ल, और चौथी चीज टिड्डी का झुंड पूरा अल्लाह ने इनके कौम पे मुसल्लत किया था ताकि अल्लाह की कुदरत को पहचान कर अल्लाह की बात मानने वाले बन जाए। उसके बाद पांचवी चीज कुम्मल। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने इसका भी जिक्र किया है। कुम्मल किसको बोला जाता है? ये कुम्मल वो कहलाती है जो बालों के अंदर निकला करती है, जिसे हमारे मुआशरे में जू बोला जाता है। ये जुएं इतनी हो गई थी, इतनी आम हो गई थी,
कि उनके बदन तो दूर की बात, उनके जो खेत खलियान थे वो भी सारे के सारे चूहों की जद में आ गए थे। हर जगह जुए, हर जगह जुए, हर जगह जुए। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, एक तरफ तूफान सर पे आया खड़ा है, दूसरी तरफ टिड्डियां आई खड़ी है, और तीसरी तरफ जुओं के अंबार है। आदमी सर पे भी हाथ फेरे तो 100-200 हाथ में आ जाए चिपक कर। ये हाल हो रहे वहां पर। ये अल्लाह ने पांचवी चीज जाहिर फरमाई थी। और छठी चीज जो वहां पर आई थी वह ज़फा दिया। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि छठी चीज थी मेंढक आम कर दिए थे अल्लाह ने। मेंढक इतनी कसरत के साथ में, मेंढक के चलने में आदमी को जगह न मिले कि कहां को पैर रखूं कहां ना रखूं। पूरे रोडों पे और लाइन से जगह जगह मेंढक मेंढक सोने लेटे आदमी, तो कोई कूद के मुंह पे आ रहा, कोई नाक पे आ रहा, कोई कहीं आ रहा, नीचे से टिड्डियां आ रही और सर पे से चूहे आ रही है। ये हाल होकर के रखे गए थे। लेकिन आपको पता है बनी इसराइल सुधरने वाले कहां थे? अल्लाह ने इन्हें ऐसी ऐसी आजमाइशों में डाला। तो ये कितनी चीजें हो गई? छह चीजें, आसा, यदे पैजा, तूफान की शक्ल, और चौथी चीज टिड्डी, और पांचवी चीज जुए, और छठी चीज मेंढक की कसरत। सातवीं चीज थी वह दम। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया सातवीं जो पकड़ थी और जो बतौरे मौजिजा हजरत मूसा को दिया गया था वो था खून। क्या? हर चीज के अंदर खून। पानी लिया पीने के लिए, उसको पीने जा रहे हैं, उसमें खून। खाना लिया, खाना तैयार किया, उसे निकाला, खाने बैठ रहे हैं, उसमें खून। तो जो चीज इनके सामने आ रही है उसमें खून जाहिर हो रहा है। अल्लाह ने इन्हें इस गिरफ्त के अंदर भी मुब्तला फरमाया, खून को जगह जगह आम कर दिया गया। आप जरा सोचिए, एक चीज भी इसमें से ऐसी है कि आदमी का नाक में दम हो जाएगा। अल्लाह महफूज रखे, इनमें से तो कोई सी बात बहुत दूर की, हमारे यहाँ न टिड्डी न ये मेंढक न कुछ, सिर्फ एक बेचारी कमजोर सी मखलूक आती है कभी कभी, मच्छर। कितने परेशान हो जाते हैं उन्हीं से, क्या क्या इंतजाम करता आदमी उससे मुकाबले के लिए। अब देखें क्या औकात है उसके इंसान के वजूद के सामने, लेकिन कान पकड़वा देते अगर कहीं पे उनका गलबा हो जाए। आदमी मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता, हालत खराब हो जाती है। रात में सो जाए अगर मच्छरों में, तो खुद ही को इतना मारेगा सुबह में सूजा हुआ उठेगा। मच्छर मरे या ना मरे लेकिन अपनी पिटाई बढ़िया हो जाएगी। तो एक छोटी सी भी मखलूक में अल्लाह ने ये तासीर रखी है। और जहां ये हालात हो रहे हो, कहीं टिड्डियां आ रही, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं चूहे आ रही है, कहीं मेंढक आ रहे हैं, और कहीं खून आ रहा है, तो क्या हालात वहां पे उनके हो रहे होंगे। अल्लाह क्या चाहते थे कि इनके ऊपर इतने इनाम है। पहले तो समझाया, बताया, सीधे रास्तों पे लाने की मेहनतें की गई, नहीं आए तो अब कम से कम इस तरह से सुधर जाएंगे। सारी कोशिशें करने के बाद ये चीजें आई हैं। आठवीं चीज अल्लाह ने खुश्की आता फरमा दी। खुश्की का मतलब यानी पानी खुश्क हो गया, खेतियां उगनी बंद हो गई और तंगी होती चली गई। हर तरफ खुश्की का माहौल, खुश्की का माहौल, और आसमान से बारिशें हो नहीं रही है। ये आठवीं चीज बतौरे पकड़ अल्लाह ने इनके ऊपर मुसल्लत फरमाई। और नवी चीज थी इनके फल फूल के अंदर कमी आ गई, फलों की पैदावार खत्म, मार्केट के अंदर फल नजर नहीं आ रहे। अब देखें हम और आप जरा गौर करें कि अगर इस जमाने के अंदर अगर अल्लाह ना करे एक फल के साथ ऐसा हो जाए तो कितनी दिक्कत होगी। अब मिसाल के तौर पर आम का सीजन आने वाला है। अब आप अभी ले या ना ले, लेकिन मार्केट में आपको ठेलों पे घूमते हुए आम नजर आएंगे तो आपको तसल्ली होगी कि आम साहब आ गए, अब कोई हर्ज नहीं, जब चाहे लेके खा लेंगे, लेकिन दिल को तसल्ली। और अगर अभी ना आए ना, दो चार दिन और हफ्ते भर 10 दिन, आदमी सोचने लगेगा कि आम क्यों नहीं नजर आ रहे, आमों की पता नहीं क्या कैफियत है। अल्लाह ने फल फूल सब गायब कर दिए इनके मुआशरे से, किसी फल का नाम नहीं। बताएं आप, सोचिए कि हाल क्या होगा। ये अल्लाह ने बतौर गिरफ्त की इनके ऊपर चीजें मुसल्लत की। अल्लाह इरशाद फरमा रहे वलकद जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, हजरत मूसा इतनी खुली हुई दलीलें लेकर के आए थे। भाई
इन बातों को देख करके तुम सुधर जाना चाहिए था, इन बातों को देख करके मान जाना चाहिए था। और जब ये अल्लाह की कुदरतें देख ली थी, अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की सजाएं देख ली थी, तो फिर गलत रास्तों पे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन बनी इसराइल भी बहुत टेढ़ी कौम है। क्या हुआ? सब कुछ देखा, सारे हालात हुए, जब फंसे तौबा तिल्ला करके सुधर गए। उसके बाद क्या मामला हुआ? उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि हजरत मूसा को अल्लाह ने बुला लिया था तूर पहाड़ पे। तूर पहाड़ पे 40 दिन के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे तशरीफ लेकर के चले गए। अल्लाह को वहां इन्हें किताब देनी थी, किताब देने के लिए 40 दिन के लिए तूर पहाड़ पे बुलाया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे गए, अल्लाह फरमा रहे बनी इसराइल इतनी चीजें अल्लाह की पकड़ की देख चुके थे कि अल्लाह की नाराजगी का हशर क्या होता है, लेकिन इधर मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे गए, इधर फिर खुराफा शुरू कर दी, एक गाय का बछड़ा मिल गया, उस बछड़े को अपना खुदा बना के उसकी इबादत शुरू कर दी। अब उसमें लग गई सारी कौम। अल्लाह फरमा रहे कि फिर उसके बाद ये सब मौजिजात अल्लाह ने मूसा को दिए, लेकिन इन सब के बाद में तुमने क्या किया? बछड़े को अपना खुदा बना लिया, बछड़े की इबादत में लग गए, कहा ये हमारा खुदा है। एक गाय का बच्चा था, उसको अपना माबूद बना के उसकी इबादत शुरू कर दी कि यह हमारा खुदा है। ये जो लफ्ज अल्लाह ने यहां पर जिक्र फरमाया कि मूसा के बाद बछड़े की इबादत में लग गए, तो मूसा के बाद का मतलब ये नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद लगे, नहीं, बल्कि मूसा के बाद का मतलब ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो गए थे कहां पर? तूर पहाड़ पे। हजरत मूसा के तूर पहाड़ पे जाने के बाद बछड़े की इबादत में लग गए। तो ये जो लफ्ज है पुराने पाक का मूसा के बाद, इस बाद का मतलब याद रखना। आम तौर से ऐसा महसूस होता है कि उनके बाद ये लोग बिगड़ गए, यानी उनके दुनिया से जाने के बाद बिगड़ गए, ऐसा मतलब लगता है, लेकिन ये है नहीं। उनके बाद का मतलब इंतकाल नहीं, बल्कि बाद का मतलब क्या है? हजरत मूसा का तूर पहाड़ पर जाना। तो कुछ दिन के लिए मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे गए, फिर अपनी हरकतों पर आ गए। अल्लाह इरशाद फरमा रहे वअंतुम ज़ालिमून, अल्लाह ने कहा तुम लोग बड़े जालिम, यानी इनको मुखातब करके कहा जा रहा है कि बड़े जालिम हो तुम लोग। अल्लाह ने पहले नबियों के जरिए समझवाया, फिर इतनी आफतें और पकड़ आई और सब गिरफ्त आई, लेकिन फिर जैसे ही जरा सी मोहलत मिली फिर मक्कारी के अंदर आ गए। अल्लाह ने कहा ये सुधरने वाले थे नहीं, आ गए नहीं समझ में मजमून। ये था आयत नंबर 92 के अंदर अल्लाह ने जो मजमून इनके सिलसिले में जिक्र फरमाया। अब आगे देखें आयत नंबर 93, अल्लाह इरशाद फरमा रहे वइद अखदना मीसाकुम वरफअना फौकुम तूर। अब अल्लाह उधर से हजरत मूसा आए हैं अपनी किताब वगैरह लेकर के, यहाँ आके क्या देखा? सारे के सारे उस बछड़े के सामने सर झुकाए बैठे, उससे मांग रहे। अब इनकी डांट टपट हुई, पकड़ हुई और सारा मामला हुआ, लेकिन ये इतनी जल्दी कहाँ सुधरते? इनको तो टॉप का टॉर्चर किया जाना था, तब इनको कुछ अकल आती है। तो अल्लाह ने इनके साथ क्या मामला किया? वरफअना फौकुम तूर, अल्लाह ने वो जो तूर पहाड़ था ना, वो सारा का सारा पूरा पहाड़ उठाया और वो तूर पहाड़ उठ करके इनके सरों पर आ गया। अब ये सारे के सारे खड़े, तूर पहाड़ ऊपर से आ रहा, अब ये देख रहे हैं ऐसे कितनी दूर रह गया, कितनी दूर रह गया। अब जब वो बिल्कुल करीब में आ गए तो देखा कि अब खड़े खड़े सर से टकराने वाला, तो हो सकता अब रुक जाए, बैठ गए, बैठ कर वो और नीचे आता जा रहा है। इन्होंने कहा अब तो काम होगा ही नहीं, इन्होंने कहा करना क्या है? अल्लाह ने कहा वादा करो, सब वादा करो कि जो काम करने का तुम्हें हुक्म दिया वही करोगे, और जो किताब मैंने नाजिल की है इस पर अमल करोगे। अगर तुमने इस पर अमल नहीं किया और अभी वादा नहीं किया तो इसे यहीं दबा रहा नीचे, यहीं दब जाओगे, अभी बन जाएगी चटनी सबकी। अब जब देखा इन्होंने ये पहाड़ टंगा हुआ सर पे, अल्लाह
अल्लाह फरमा रहे वही अखदना मीताकुम व रफअना फौकुम अत्तूर। अल्लाह कह रहे हमने वादा लिया और उठा दिया इनके ऊपर तूर पहाड़ को, सर पे लाके टिका दिया कि करो वादा वरना भी कैचअप बनाए तुम्हारे। अब सारे के सारे परेशान के अब तो मानना पड़ेगा, बगैर माने काम नहीं चलेगा। और अल्लाह ने कहा खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्मऊ, लो वो चीज जो हम तुम्हें दे रहे हैं मजबूती से और सुनो कान खोल करके। यानी जो किताब तुम्हें दी जा रही है अब इस किताब को मजबूती से पकड़ना और जो बातें इसके अंदर लिखी गई हैं उनको हजरत मूसा से सुनना और इन बातों के ऊपर अमल करना। वरना अगर तुम नहीं कर रहे इसका वादा तो तूर को अभी तुम्हारे सरों पे बिठा रहे। अब वो तूर पहाड़ ऊपर है, सारे के सारे घबरा गए। अब घबराने के बाद में इन्होंने क्या किया आप जरा देखें बनी इसराइल ये कैसी कौम है। अब इन्होंने कहा कौलू समिअना व असैना, कौलू समिअना व असैना। इन्होंने कहा बचने का कोई चांस नहीं है। सबने कहा समिअना व असैना। देखिए ये जरा अरबी जबान के दो लफ्ज हैं, इनको आप पहले समझ लें फिर इनकी हरकत आपको समझ में आएगी। अरबी जबान में एक लफ्ज है समिअना और दूसरा है अतौना। समिअना का मतलब होता है हमने बात सुन ली और अतौना का मतलब होता है कि हमने बात मान दी। समिअना का मतलब क्या बताया, बात सुन ली, और अतौना का मतलब हमने बात मान ली। तो ये एक मुहावरा है, जब कोई कुछ कहे तो फिर ये कहा जाता है उसके जवाब में। लेकिन ये बनी इसराइल कौम है, इसने देखा कि सर पर आ गया, अब माने बगैर काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या कहा समिअना व असैना, समिअना व असैना। ये गोल मोल करके होंठों को ऐसा बोलते थे बातों को कि सामने वाले को समझ में भी ना आए और अधूरी बात हो जाए। अब अतौना कहना था समिअना के साथ, इन्होंने अतौना की बजाय क्या कर दिया असैना। आप समझ नहीं रहे शायद, फिर सुनिए एक लफ्ज है समिअना, दूसरा लफ्ज है अतौना और तीसरा लफ्ज है असैना। ये तीन लफ्ज याद रखिए, ये भाई बहनों के नाम नहीं है, ये तीन अलग अलग अल्फाज हैं। पहला लफ्ज क्या बताया सब बोले, दूसरा क्या बताया अतौना और तीसरा क्या बताया असैना। अब तीनों का मतलब सुनिए। समिअना का क्या मतलब बताया हमने, सुन लिया। अतौना का मतलब बताया हमने, मान लिया। और असैना का मतलब है हमने इनकार कर दिया। असैना का मतलब है हमने इनकार कर दिया। अब इनको कहना क्या चाहिए था, समिअना के बाद अतौना, सुन लिया मान लिया। लेकिन इन्होंने समिअना तो कहा शुरू में, लेकिन बाद वाला जो अतौना था उसको असैना से बदल दिया, समिअना व असैना। अब मतलब क्या हुआ, हमने सुन लिया और हमने इनकार कर दिया, सुन भी लिया इनकार भी कर दिया। आगे नहीं समझ में, अगर ये समिअना व अतौना कहते तो क्या मतलब होता, हमने सुन लिया और मान लिया। लेकिन इन्होंने कहा समिअना व असैना, तो अब मतलब क्या हुआ, सुन लिया और इनकार कर दिया। ये है बनी इसराइल कौम। ये पहला लफ्ज तो कह दिया ताकि सामने वाले को लगे कि जब जुमला ये कहा है तो आगे भी वही बोलेंगे जो है मशहूर, लेकिन आगे अपनी कलाकारी जोड़ दी। पहाड़ सर पे अटका पड़ा है और मौत नजर आ रही है, उस वक्त भी सियासत खेल रहे हैं। इस कदर दर्जे की ये सियासी कौम थी, वहां पर उस कैफियत के अंदर कह रहे समिअना व असैना। या अल्लाह, इनमें कुरान का, कुरान में इनका जुमला नकल कर रहा है सूरतुल बकरा आयत नंबर 93 में, कि जब पहाड़ सर पर आया और अल्लाह ने कहा पकड़ो इसे, कुरान अपनी किताब को लो और मजबूती से अपनी तौरात पर अमल करो जो मूसा को दी गई है, तो उस वक्त ये कौलू समिअना व असैना। तो बातों को घुमा घुमा के बोलते थे जिससे सामने वाले को पता ही ना लगे कि कहा किया जा रहा है, धोखा देने की आदत।
जैसे आपको सुनाया था कि मुफ्ती महमूदुल हसन साहब ने नकल किया है कि एक लड़की का निकाह हो रहा है। निकाह होने के वक्त में जब उसके पास इजाजत लेने के लिए गए तो उससे कहा कि भाई तुम्हारा निकाह फूला के साथ कर दिया, तुम्हें कबूल है, मंजूर है, बस हो गया निकाह, जो भी उसने जवाब दिया। उसके बाद जब लेने के लिए आया उसे, उसने कहा भाई मुझे मत लेके जाना, मैंने तो निकाह ही नहीं कबूल किया। अब रुखसती के टाइम ड्रामा तैयार हो गया। कहा भाई जिसने इससे निकाह कबूल कराया था जरा उसे बुलाओ, वो बताएगा इसने जब इसके सामने निकाह की बात आई थी इस लड़की ने क्या जवाब दिया था। अब वो लोग आए, उनसे पूछा भाई लड़की ने क्या कहा था। वो जो इजाजत लेने आए थे उन्होंने कहा कि हमने इस लड़की से कहा था कि तुम्हारा निकाह उस लड़के के साथ कर दिया, तुम्हें कबूल है, तो इसने कहा था हूं। क्या कहा था? हूं। अब वो लड़की भी तकड़ी आलिम थी, उसने आगे का जुमला जो कहा उसने कहा मैंने हूं तो कहा था लेकिन उससे पहले कहा था हूं। क्या कहा था मैंने? हूं। अब हूं और हूं फर्क समझ रहे हैं ना। आपसे कोई कहे कि ये खा लो, आप कहे हूं यानी लाओ भाई खा लूंगा, और आप कहे हूं तो क्या मतलब होगा नहीं खाना। उसने कहा मैंने कहा था हूं, तब जाकर के मसला समझ में आया। उस वक्त से मैं लोगों को बताता हूं कि जरा जब इजाजत लेने जाओ ना जरा सरीके से इजाजत ले लिया करो, कभी बाद में कोई नया खेल हो जाए। वो ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, हूं हां ना करे तो ठीक है, क्योंकि शरीयत जो है फिर निकाह मोतबर मानती है अगर खामोश रहे लड़की। लेकिन अगर ये हूं हां करा है ना लड़की ने तो जो इजाजत लेने गया उससे क्लियर करा रहे हूं ही कर रही या हूं कर रही, ताकि ये दिक्कत ना आए रुखसती के वक्त में। बनी इसराइल ने भी समीना तो कह दिया, वो जो दूसरा था उसे बोल मोल कर दिया, अताना की जगह उसैना कर दी, इनकी बहुत पुरानी आदत थी। इसी तरह पुराने पाक के अंदर अल्लाह ने नकल किया, इनके बारे में भी आगे आएगा एक दो रुकू के बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू रौइना वकूलू ज़ुरना। क्या होता था, हुजूर की मजलिस चल रही है, सहाबाए किराम बैठे हुए, अब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कोई बात बताई और मसलन चारों तरफ लोग बैठे हैं लेकिन आपने किसी एक को मुखातब बना के उसकी तरफ तवज्जो करके बात बता दी, अब दूसरी तरफ लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आई बात। तो जब सामने वाले की तवज्जो अपनी तरफ करानी होती है, अपनी तरफ मुतवज्जे, तो जैसे हमारे यहाँ दुनिया में अल्फाज एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल होता है, भाई जरा मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए आप, ऐसे ही अरबी जबान के अंदर इसके लिए लफ्ज आता है रौइना। क्या आता है लफ्ज? रौइना, कि जरा हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। तो सहाबा हुजूर से यही कहते थे जब किसी को अपनी तरफ तवज्जो करानी है हुजूर की, तो कहते थे रौइना कि हजरत जरा हमारी तरफ आप मुतवज्जे हो जाए। अब ये जो आते थे ना यहूदी, ये तो हैं वही उसी नस्ल के, हुजूर की मजलिस में भी बैठे और अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आते। अब जब हुजूर से कहने की जरूरत पेश आती थी कि हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाइए, तो मुसलमान तो कहते थे रौइना, आइन नून अलिफ आखिर में, रा अलिफ आइन नून अलिफ रौइना। अब ये क्या करते थे, आइन के बाद या लगा देते थे रौइना। क्या? रौइना। यहां भी मक्कारी चुबा ली इसमें। यहां क्या होता था, अब रौइना का मतलब होता था नऊज़ु बिल्लाह, कहना हमारे लिए मुनासिब नहीं लेकिन इनकी हरकत बता रहा हूं, इसके मतलब होते थे कि हमारे चरवाहे, फिर ये तर्जमा होता था इसका। तो नऊज़ु बिल्लाह हुज़ूर की तौहीन करने के लिए ये उस वक्त में रौइना में या बढ़ा देते थे। अल्लाह ने आसमान से आयत नाज़िल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रौइना, ईमान वालों तुम ये जुमला कहो ही मत ताकि इन ज़ालिमों को मौका न मिले।
वरना तुम तो राइना बगैर या के कहोगे और ये या लगा के कहेंगे और हुजूर की शान में गुस्ताखी करेंगे। इनकी यह हरकत बड़ी पुरानी थी, मुंह में कुछ जबान मोर तरोर के ऐसे बोलते थे कि सामने वाले को समझ भी ना आए और अगर कोई पकड़ कर ले तो कह देंगे कि नहीं राइना कहा तुम्हें या वैसी ही लगी होगी। जैसे हमारे यहां कोई कमजोर सा आदमी हो ताकतवर से लड़ाई हो जाए तो क्या करता है उसको जब पीठ फेर के जाता है इतनी गालियां देता है और अगर वो गिर गया वो क्या बोल रहा कुछ भी नहीं बोल रहा तुम्हारी वैसी आ रही होगी आवाज तो मैं तो वैसे ही इन्नल्लाह मा साबिरीन पढ़ता हुआ जा रहा था। तो हमारे यहां भी होता है अगर पकड़ लो तो नहीं कुछ भी नहीं और अगर ना पकड़ा जाए तो दिल की बड़ास निकाल ली। यही हाल था बनी इसराइल का, अगर ना पकड़े जाए तो राइना और अगर पकड़ लिए जाए नहीं राइना ही कह रहे थे वो या आपको लगा होगा धोखे की बात होगी। ऐसे ही यहां पे समीना व अताना कह रहा था उसको कर दिया समीना व असीना। तो ये इनकी बड़ी पुरानी आदत थी। इसी तरह एक और मामला इनका इसी आदत के ताल्लुक से वो भी सुन ले। हुजूर अली सलाम के पास आए और आने के बाद सलाम करते थे, अब सलाम तो कर नहीं है, अब अहले ईमान जो आते थे वो सलाम करते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम सलामती हो। अब ये जब आते थे ना यहूदी उसी कौम के ये सारे के सारे आने के बाद कहते थे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु को अस्सलामु लाम अलिफ गायब, समझ रहे ना, तो वो बीच में से लाम हटा दिया, अस्सलामु था अस्सलामु को क्या कर दिया अस्सामु अलैकुम। अब साम के माना होते मौत के, नऊजु बिल्ला, अब मतलब क्या निकलेगा अस्सामु अलैकुम तुम पे मौत तारी हो। हुजूर के पास आकर के जबान को गोल गोल घुमा के और ये ऐसे सलाम करते थे और सलाम अस्सलामु की जगह अस्सामु अलैकुम कहते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी अली सलाम के पास आए और आकर के यही जुमला कहा, हजरत आयशा बैठी हुई थी फौरन कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्होंने तो अस्सामु कहा था और आपने इनके सलाम का जवाब भी दे दिया, ये तो बद्दुआ कर रहे थे आपका। अल्लाह के नबी का भी जरा जवाब सुनिए, हुजूर ने कितना प्यारा जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया आयशा मेरा जवाब नहीं गौर किया तुमने मैंने क्या कहा जवाब में, भाई अगर वो मंतिक चला रहे तो थोड़ी मंतिक हम भी चला दे। हुजूर ने फरमाया आयशा गौर नहीं किया मेरे जवाब पे, मैंने खाली इतना कहा वालेकुम, क्या कहा वालेकुम, आगे नहीं कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बस वालेकुम। अब वालेकुम का मतलब क्या होता है, जो चीज आपने हम पे भेजी है वो रिटर्न में आप पर हूं। अगर खाली वालेकुम कहा जाएगा तो इसका मतलब होगा जो चीज आपने हमें दी है वो रिटर्न में हम आपको दे रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया आयशा मेरा जवाब नहीं सुना, फरमाया हजरत गौर नहीं किया था मैंने, फरमाया कि मैंने कहा था वालेकुम, तो हजरत आयशा ने फरमाया अब ठीक है अब सही है। तो आप ये देखेंगे ये यहूदी और ये सब बनी इसराइल जो थे ये हरकतें करते थे, तो उस मौके के ऊपर भी यही हरकत कर रहे हैं क्या के समीना व असीना। तो आज सर के ऊपर इनका टंगा हुआ है तूर पार और उस वक्त में जो जुमला इनकी जबान से निकल रहा है समीना व असीना, हमने सुन लिया और हमने इनकार कर दिया। अब जाहिर सी बात है ये दुनिया वालों को धोखा देंगे, अल्लाह को तो क्या धोखा दे सकते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। ये ज़बान से ना भी कहें तब भी अगर दिल में होगा अल्लाह तो वो भी जान रहा है, अल्लाह के सामने नहीं चल सकता। तो अल्लाह ने तो इनकी ये हरकत देखी कि इन्होंने उस मौके के ऊपर भी क्या जुमला कहा। आगे अल्लाह कहते हैं कि इन्होंने ये जो हरकत की
कि सर पर इनके दूर पहाड़, और उस वक्त ये समीना व सईना कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं इस अमल के बदले, इनकी इस हरकत की वजह से हमने इनके दिलों में इनका वो जो बछड़े से ताल्लुक था, अल्लाह फरमा रहे हमने उस ताल्लुक को और मजबूत कर दिया। यानी अब अल्लाह की फिटकार आ गई, अब ये जो बछड़े की इबादत में लगे हुए थे और दीवाने हो गए उस बछड़े की इबादत के, और जाहिर सी बात है जब अल्लाह को छोड़ करके बछड़े की इबादत करेंगे तो फिर ये अल्लाह की पकड़ के काबिल हो जाए। तो अल्लाह ने उस जुर्म की सजा ये दी कि इनके दिलों के अंदर बछड़े की जो मोहब्बत आई थी उस मोहब्बत में और इजाफा कर दिया। अल्लाह कह रहे हैं वउशरिबू फी कुलूबिहिम अलइजल बिकुफ्रिहिम, कि इनके दिलों के अंदर बछड़े की मोहब्बत डाल दी गई इनकी इस हरकत की वजह से। तो अल्लाह इन्हें सुधरने का मौका नहीं दिया। अगर गुनाह हो और बंदे को सुधरने का मौका मिल जाए तो ये अल्लाह की रहमत की बात है, लेकिन इनसे गुनाह हुआ था, बछड़े की इबादत में लगे, लेकिन फिर सुधरने की बजाय इन्होंने बदमाशी की, अल्लाह ने फिर उस गलती पे इनको और जमा दिया। ये खुद अल्लाह की तरफ से इनके लिए बड़ा अजाब था कि अब ये बछड़े की इबादत पे जम गए, अब ये वापस नहीं आ गए। यहां पर अल्लाह ने एक लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्मऊ। अल्लाह कह रहे हैं जो चीजें हम देते हैं तुम्हें उनको ले लिया करो मजबूती से। देखिए अल्लाह जब भी हमें कोई हुक्म नाजिल करे या हमें कोई हुक्म मिले तो हमारे उस हुक्म के ताल्लुक से पांच जिम्मेदारियां बनती हैं। ये पांच जिम्मेदारियां याद रखना, अल्लाह जो भी ऑर्डर करे उस ऑर्डर के ताल्लुक से हमारी जिम्मेदारियां कितनी हैं? पांच जिम्मेदारियां हैं। दो का जिक्र अल्लाह ने यहां कहा कि इस बात को मजबूती से ले लो और सुन लो, बाकी का जिक्र दूसरी जगहों पे किया। उलमा ने कुल को शुमार करके बताया कि सबकी तादाद पांच है, जब अल्लाह की तरफ से कोई ऑर्डर मिले तो पांच काम हमें करने चाहिए। सबसे पहला काम फरमाया, सबसे पहला काम यह है कि हमें उस बात पर यकीन कर लेना चाहिए, जब अल्लाह के हवाले से कोई बात आए और रसूल के हवाले से कोई बात आए तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, उस बात पर क्या कर ले? यकीन कर ले, मान ले उस बात को। सारा मसला इसी पर अटकता है। अब जब मसले आते हैं ना लोगों के सामने तो आदमी बाद मरतबा कंफ्यूज होता है कि कैसे, ये तो हम बाप दादाओं के जमाने से देखते चले आ रहे हैं ये काम ऐसे हो रहा है, अब ये नाजायज कैसे हो गए? नहीं, अगर वो बताने वाले मोतबद उलमा हैं तो फिर आदमी को बात पर एतमाद करके तस्लीम कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात के बात पर यकीन कर दे, यकीन कर दे। यकीन की कैफियत हो। दूसरी कैफियत क्या होनी चाहिए कि फिर वो जो अल्लाह का हुक्म है उसको बाकायदा हम पढ़ें भी। अब जैसे कुरान के अंदर अल्लाह के अहकामात हैं तो पहला काम तो यकीन करें कुरान की बातों पे, दूसरा काम क्या होगा कि कुरान की क्या करें? तिलावत करें। यकीन भी कर रहा है, खाली ये नहीं कि लेटा लेटा कह रहा कि मुझे कुरान पे बहुत यकीन है और पढ़ नहीं रहा साल भर भी, ये हक नहीं अदा हो रहा कुरान का। क्या करना है? यकीन भी करना है और साथ में क्या करनी है? कुरान की तिलावत, ये दूसरा हक है। तो यकीन करना, नंबर दो उसको पढ़ना, और तीसरी जिम्मेदारी है उसको समझना। क्योंकि अगर हम खाली वहां पे पढ़ेंगे तो सवाब तो मिलेगा पढ़ने का, लेकिन जो फायदा पूरा होना चाहिए वो फायदा पूरा नहीं होगा जब तक कि हम समझेंगे नहीं। और अब आप दरसे कुरान में अल्लाह के फजल से जुड़े हुए हैं, हर हफ्ते दो तीन आयतें हमारी होती है, आदमी को सुन करके लगता है कि वाकई अल्लाह के कलाम के अंदर कितने खजाने मौजूद हैं कि जिसका जानना हमारे लिए कितना जरूरी, कितनी अहम बातें हैं ये सारी। अल्लाह ने वाकयात भी जिक्र कर दिए, पिछली उम्मतों के हालात भी पता लग गए, और साथ में कितनी इबरतें और नसीहतें हमें और आपको मिलती। तो तीसरा काम समझना, और चौथा काम होता है उस पर अमल करना। अमल भी हो, फिर ये नहीं कि
मान भी लिया, पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, अमल में लाए नहीं, फिर ये कि आदमी उस पर अमल भी करे, ये चौथा हक है। और पांचवा हक ये है कि फिर उस बात को दूसरों तक सही तौर पर पहुंचा दे। आपका काम अमल तक पूरा हो गया लेकिन जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। जिम्मेदारी क्या है कि अब दूसरों से उस बात को छुपाए ना, बल्कि जाकर के दूसरों तक भी वो बात पहुंचा दे कि भाई सही मसला इस तरह है। अब अभी दो हफ्ते पहले वजाहत की थी मैंने एक मसले की, आपको याद होगा, चक्की पर आटा ले जाने का मसला, याद है भूल गए? तो उसके अंदर वजाहत की थी, आपको याद होगा, बताया था मैंने, एक तो है कि अपने गेहूं ले जाएं और ले जाकर के उससे कहें कि भाई गेहूं रख ले और जो तेरे पास आता है वो पीसा हुआ हमें दे दे और पिसाई ले ले, यही होता है ना। ये है क्या जायज या नाजायज? क्या बताया था? नाजायज है, इसकी इजाजत नहीं है शरीयत में। जायज शक्ल क्या है इसकी? जायज शक्ल ये थी, दो शक्लें बताई थी कि आप उसे गेहूं दें और उससे आटा ले लें, जो उसके पास रखा हुआ है वो आटा आप ले लें, लेकिन साथ में पैसे ना दिए जाए, पैसे का लेन देन ना हो, वो ऐसे ही कह दे कि बस ये गेहूं दे दो और आटा ले जाओ, पैसे कुछ नहीं देने। तो अगर कोई ऐसा हो हातिम ताई तो फिर तो सही है, जाहिर सी बात है वो बड़ा सखी आदमी होगा जो ऐसा मामला करेगा, वरना वो कहेगा भाई तू गेहूं की पिसाई ना दे के मुझे क्यों पीस रहा है। अगर वो वाकई में कोई आदिम ताई ऐसा, तो फिर आप उससे ये मामला कर ले, अपने गेहूं दिए और आटा ले लिया, पैसे कुछ नहीं, फिर सही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हातिम ताई पे एक बात याद आई, आपको बता दूं, थोड़ी नींद भी दूर हो जाएगी। एक उस्ताद ने सबक पढ़ाया बच्चों को, एक तालिब इल्म बेचारा बैठा था, वो कुछ नहीं पूछता था, उस्ताद रोजाना कहते यार सब पूछते कुछ ना कुछ, कि ये नहीं समझ में आया, ये नहीं आया, तू भी तो पूछा कर कभी कि ये नहीं समझ में आया। जो आदमी सवाल नहीं करता ना, दो बातों में से एक बात हम अपने तलबा से कहते हैं कि जो लड़का हमसे पूछता नहीं ना, दो बातों में से एक बात, या तो सब समझ गया या कुछ नहीं समझा। जो सब समझ गया उसे नहीं पूछने की जरूरत पड़ती, या कुछ नहीं समझा तो वो सोचता है एक बार पूछ के क्या करूंगा जब कुछ भी नहीं आया समझ में। पूछता कौन है? जो कुछ समझ जाए कुछ ना समझे तो वो सोचता है कि पूछ के सब समझ लूं। तो एक उस्ताद ने यही जुमला कहा। अब एक दिन इत्तेफाक से आतिम ताई का जिक्र आ गया, तो उसने कहा हजरत आज एक सवाल करना मुझे। उन्होंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है आज बोला तो सही है। पूछा बेटा क्या पूछना है बताओ। कहने लगा हजरत ये बताइए कि ये हातिम ताई जो थे ये लड़का थे या लड़की थे? उस्ताद भी हैरान कि भाई ये क्या पूछ रहा, हातिम ताई लड़का थे या लड़की? इसने कहा तुझे भाई शक कैसे हुआ? कहा हातिम से तो समझ में आता है कि लड़के थे, लेकिन अगर ये लड़के थे तो ताई क्यों होते? ये तो ताऊ होने चाहिए थे, हातिम ताऊ होता ही ना। कहने लगा ये नहीं समझ में आ रहा, पहले लफ्ज से समझ में आता है ये लड़का है, दूसरे फिर ताई हो गए। तो ताई तो जाहिर सी बात है खातून होती है, तो ये खातून है या लड़के हैं क्या है ये चीज समझ से बाहर है। अगर लड़के हैं तो हातिम ताऊ क्यों नहीं कहते इन्हें? उस्ताद ने कहा हजरत आपसे दरखास्त है कि आप पहले की तरह खामोशी रहा करें, आपका ना बोलना ही ज्यादा बेहतर है। अर्ज में ये कर रहा था यहां पर कि वो जो मसला था आटे का, तो बहरहाल अगर कोई इतना सखी हो और वो आटा लेकर के और दे दे ऐसे ही, तो फिर तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है अगर पैसे ना ले। एक शक्ल जायज होने की ये थी। दूसरी शक्ल जायज होने की क्या बताई थी कि आप उसके पास अपने गेहूं ले जाएं और ले जाके कहें कि भाई इस गेहूं की कीमत लगा दो और जितने रुपए के ये गेहूं बेचे उतने रुपए का मुझे क्या दे दो, आटा दे दो। ये दूसरी शक्ल है जायज होने की। ये तीन बातें बताई थी।
बाद में कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद अगर कोई आदमी गेहूं लेकर के जाए और अपने गेहूं पिसवाए और पैसे दे करके उनको पिसवा के लाए अपने गेहूं को, कि ये भी नाजायज है। ये नाजायज नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। कुछ लोगों को ये धोखा लगा था, बाद में पूछा तो मेरे दिमाग में आया कि इस शक्ल की भी वजाहत कर दूं आपके सामने। आप अपने गेहूं लेकर के गए, ले जाकर के दिया कि भाई आप इनको पीस दो मेरे गेहूं। उसने कहा ठीक है पीस दूंगा, इतने किलो है और इतने रुपए किलो पिसाई चल रही है, आप कल को आके ले जाना। आप गए अपना आटा लिया और पिसाई के पैसे दिए और ले आए, ये जायज, इसमें नहीं कोई हर्ज है। समझ गए ना? लिहाजा इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो जो मैंने नाजायज वाली बात बताई थी वो किसमें है, जब आप गेहूं देके हाथों हाथ उसके पास से आटा उसका ले रहे और पिसाई के पैसे दे रहे हैं, ये है नाजायज। और अगर आप अपना गेहूं पिसवाएं और अपना गेहूं पिसवा कर उससे अपने गेहूं का आटा लें और फिर उसको पिसाई के पैसे दें, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है, शरान ये जायज है। समझ गए ना? अब कुल चार शक्लें हो गई हैं। अब मैं चारों बता रहा हूं, आप हुक्म बताते चलना, जायज ना जायज, जायज ना जायज। पहली शक्ल, मैं चक्की वाले के पास गया, ले जाके उसे गेहूं दिए कि इसकी कीमत लगा लो, जितने के हो उतने रुपए का आटा दे दो, ये जायज या ना जायज? जायज। दूसरी शक्ल, गेहूं लेकर के गए, उसके हवाले किए और उससे कहा आप इनको अपने पास रख लो और इनको पीस दो और शाम को या कल को मैं आके ले जाऊंगा। आपने वो अपने गेहूं अगले दिन आटे की शक्ल में ले लिए और पिसाई के पैसे दे दिए, ये जायज या ना जायज? जायज। भाई जायज, ये जायज है। आपने अपने गेहूं दे करके उनको पिसवाया है तो अब ये क्या हो गया? जायज हो गया। और अगर आप अपने गेहूं लेकर के गए और उससे कहा जो तुम्हारे पास रखा हुआ आटा है वो इनके बदले में दे दो और गेहूं की पिसाई ले लो, ये जायज या ना जायज? ये ना जायज है। और चौथी शक्ल आपको बताई कि आप अपने गेहूं लेकर गए, उससे कहा ये गेहूं ले लो और आटा दे दो और उसने दे दिया और उसने आपसे कोई पिसाई विसाई नहीं ली, आपके गेहूं के बराबर आपको आटा दे दिया। तो अगर ऐसा कोई हातिम टाइम मिला और उसने दे दिए तो ये जायज या ना जायज? ये भी जायज, इसमें भी शरण कोई अर्ज नहीं। तो ये याद रखिएगा, अल्लाह के फजल से ये चार शक्ल आके बात मुकम्मल हो गई। अर्ज में ये करना, जब भी कोई बात आए तो ये पांचों चीजें होनी चाहिए। पहली चीज बताइए बात पे यकीन करे आदमी, दूसरी चीज बताइए उस अल्लाह के अहकाम को पढ़े, कुरान में है तो कुरान पे यकीन भी करे, कुरान की तिलावत भी करे, तीसरी चीज बताइए कुरान को समझे, चौथी चीज बताइए कुरान पर फिर अमल करे, और पांचवी चीज बताइए कि फिर उसकी जिम्मेदारी है कि दूसरों तक उस बात को पहुंचा दे। ये पांच जिम्मेदारियां बनती हैं अल्लाह के अहकाम जब बंदों को दिए जाए तो हमारी पांच जिम्मेदारियां उस हुक्म के ताल्लुक से हैं। अब आज की जो आखिरी बात है वो जरा समझ लें कि ये जो सूरत बताई जा रही है कि अल्लाह ने उनके सर पे लाके पहाड़ लगा दिया और कहा वादा करो। अब आप कहेंगे भाई ये तो जबरदस्ती हो गई, ये क्या हो गई? जबरदस्ती। और कानून है शरीयत का ला इकराह फी दीन, शरीयत में जबरदस्ती नहीं। और अल्लाह कह रहे हैं हमने सर पे लाके पहाड़ टांग दिया कि या तो मान लो वरना भी कुछ चल रहा, तो ये जबरदस्ती तो हो रही है ना शक्ल? नहीं हो रही। कोई लगा के गए मान वरना तो गया, भाई ये तो जबरदस्ती हो गया। अल्लाह कह रहे हैं एक तरफ तो अल्लाह क्या कह रहे हैं दीन में जबरदस्ती नहीं नहीं, और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे सूरतुल बकरा की 93 आयत बता रही है कि अल्लाह ने सर पे लाके रोक दिया और कहा मानो वरना भी पीस रहा हूं यहीं पर। अब आयत से को तो देखने से लगता है जबरदस्ती पाई जा रही है यहां पर, क्या जवाब होगा इसका? बहुत आसान तरीका है, हमारे मुफस्सिरीन किराम ने इसका सही मतलब ये लिखा है। देखें एक तो है वो शख्स
जो इस्लाम और ईमान लाया ही नहीं, वो कहता है मैं काफिर हूं, इस्लाम वाला नहीं। एक तो वो शख्स है, और एक वो शख्स है जो कहता है मैं मुसलमान हूं। ये जो कंडीशन की जा रही है कि सर पे ला करके रख दिया कि मानो, ये उन लोगों के साथ की जा रही है जो कहते थे कि हम ईमान वाले हैं और फिर किताब के ऊपर अमल नहीं करते थे, उनके साथ में सख्ती की जा रही है। लेकिन जो शख्स ईमान नहीं लेकर के आया, उसके साथ वो कानून है कि उसको ईमान में लाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन जो आ गया, फिर उसको कानून फॉलो कराने के लिए उस पर जबरदस्ती की जाएगी। मान लीजिए कोई ईमान वाला है और नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का मसला है, फरमाए जेल में डाला जाएगा उसे, जब तक वो तौबा ना कर ले कि मैं पांचों टाइम की नमाज पढ़ूंगा, जब तक जेल में रखा जाएगा। तो देखिए, अब जबरदस्ती हो रही है उसके साथ, लेकिन किसके साथ हो रही है? जो मान गया, ईमान लेकर के आ गया, उससे कहा जा रहा है कि अब अमल करो। और वो जो कानून है कि दीन में जबरदस्ती नहीं है, वो कानून किसके लिए है? गैर ईमान वाले के लिए, कि गैर ईमान वाले को इस्लाम में लाने के लिए जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आ गया, जिसने मान लिया, अब उस पे तो सख्ती करके उसको अमल कराया जाएगा। तो यहां ये जो मामला किया गया, ये उनके साथ नहीं जो मानते नहीं थे, ये तो उनके साथ अल्लाह मामला कर रहे हैं जो कहते थे कि हम सब क्या है? ईमान वाले। लिहाजा ये जबरदस्ती वाले किस्म का कोई एतराज यहां पर नहीं होता, और इन लोगों के साथ ये जो मामला अल्लाह की तरफ से किया गया है, फिर ये कोई गलत मामला नहीं होता। ये आजकल के भी मुआशरे के लिए जवाब हो जाएगा कि देखिए, इस्लाम, जब तक आप इस्लाम नहीं ला रहे, अपने अहकाम के लिए आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। आजाद उसूल है वही, गैर मुस्लिमों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। सारी जबरदस्ती कब है? सख्ती है हमारे ऊपर तब, जब हम अपने आप को इस इस्लाम के कानून के हवाले कर दें। अब कहा जाएगा जब आपने मान लिया तो अब अमल करो, वरना सजा मिलेगी। कितना साफ सुथरा हुक्म है। अब अगर हम ये बात जहन में रखें तो फिर इंशाल्लाह कोई दिक्कत यहां पेश नहीं आनी। तो अल्लाह ने यहां पर जो सर पे पहाड़ को रोका और उनसे कहा कि मानो वरना कुचल दिए जाओगे, ये किन के साथ था? जो कहते थे कि हम काफिर है वो उनके साथ ही, या जो कहते थे हम मुसलमान है उनके साथ? जो मुसलमान कहते थे उनके साथ है। लिहाजा यहां पे कोई जोर जबरदस्ती के मामले वाली बात नहीं आ रही। अगर काफिरों को कहा जाता सर पे पहाड़ लोग करके कि ईमान लाओ वरना कुचल देंगे, ये होती फिर जो जबरदस्ती की कैफियत बनती। लिहाजा यहां पर इस आयत पाक पे इस तरह का कोई सवाल नहीं है। ये आयत पाक यहां कुरान पाक की 93 नंबर की आयत है। अब इसका जरा तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, वइद अखदना मीसाकुम वरफअना फौकुम अत्तूर। अल्लाह फरमा रहे हैं, हमने तुमसे वादा लिया और उठा दिया तुम्हारे सरों के ऊपर तूर पहाड़ को। खुजू मा आतैनाकुम बिकुवतिन वस्माऊ, लो उन बातों को जो हम तुम्हें दे रहे हैं मजबूती से, और इन बातों को सुनो। कालू समिअना वअसैना, उन्होंने कहा कि हमने सुन लिया और हमने इनकार कर दिया। कहना क्या था? समिअना व अतअना। सबकी वजाहत में कर चुका हूं, अब तर्जमा सुना रहा हूं। अल्लाह कहते हैं, वकुशरिबू फी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ने उनकी सरकत की वजह से उनके दिलों में पचड़ी की मोहब्बत और पैदा कर दी। अल्लाह का अजाब आ गया, फिर मोहर लग गई, अब वो गुमराही पर ही सारे के सारे मर गए। कुल बिसमा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ए नबी आप कह दीजिए, बहुत बुरी है वो चीज जिसका हुक्म करता है तुमको तुम्हारा ईमान। यानी ज़बान से कह रहे हो हम ईमान वाले, और जब कहा जा रहा है किताब को लो और मान लो, तो कह रहे हो कि समेना वाह सही ना। अल्लाह कह रहे हैं ये कैसा ईमान है? ईमान वाला ऐसी बातों को हुक्म करता है। अगर ईमान होता तुम्हारे अंदर तो समेना के बाद क्या कहते?
अतोना कहते, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, इसलिए तुम समीना के बाद क्या कह रहे हो? अफरीना। अल्लाह कह रहे बहुत बुरी है वो चीज जिसको तुम्हारा ईमान हुक्म दे रहा है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई में ईमान वाले हो, यानी अगर ईमान है तुम्हारे अंदर तो ये हरकतें नहीं होती तुम्हारी, लेकिन ये हरकतें कर रहे हो सारे के सारे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ तुम कहने के एतबार से ईमान वाले हो, हकीकत में तुम्हारे दिल के अंदर ईमान नहीं। आ गए ना समझ? ये है हमारी यहाँ पर दो आयत मुबारका, आयत नंबर 92 और आयत नंबर 93। इन दो आयत पाक की वजाहत ही आपके सामने अर्ज कर दी गई है। दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से कि जब घरों पर जाया करें तो जो आयत यहाँ होती है दरस में उनको खोल करके एक आध बार पढ़ भी लिया करें। आप जब उसको देखेंगे, यहाँ भी ताजी ताजी आपने सुनी है तो उसको देखेंगे ना जाके, फिर बड़ा मजा आएगा आपको। वो अल्फाज याद आएंगे, वो बातें याद आएंगी, वो तर्जमे याद आएंगे, वो सब बातें जो आप सुन करके गए हैं वहां फिट करने में एकदम आसान हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी सी कोशिश इंतमाम किया करें कि हम उनको अप्लाई करें जा करके, कुरान खोल करके एक बार नजर डालें उन आयात पर। तो ये दो आयत मुबारक इस मजलिस में आपके सामने पेश कर दी गई। उसके बाद जो हमारा सिलसिला चल रहा है, आप हजरात वाकिफ होंगे कि कुरान पाक के ऊपर जो काफिरों ने एतराजात किए हैं मखसूस आयत पाक पर, उनके जवाबात का सिलसिला चल रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते तक अल्लाह के फजल व करम से कुल हमारी कितनी आयतें हो गई थी? 17। चलिए माशाल्लाह याद है ताज़ा। तो 17 आयत हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आज 18 से लास्ट तक सारा मज़मून एक साथ, क्योंकि आप अब ये ना सोचना कभी आप घबराएं कि तो 8-10 आयतें पता नहीं कि कब छुट्टी मिलेगी। नहीं, छुट्टी तो टाइम फिक्स है आपका, उससे आगे नहीं जाना है, टाइम उसी के अंदर सारा मामला होगा। ये इंशाल्लाह ये दो मजमून के ताल्लुक से आयात हैं, बस वो अर्ज करनी है। आयत नंबर 18 अलग है, उसके बाद 19 से लेकर 26 तक सब एक किस्म की आयतें, उनका बस एक ही जवाब होगा सब आयतों का, जो 19 से लेकर 26 तक है। क्या है यहाँ पर? सबसे पहले आज की आयत नंबर 18 सुनिए, यह है सूरतुल माईदा की आयत नंबर 14, 14 नंबर आयत। इस आयत पाक को लेकर के एतराज है कि इसके अंदर अल्लाह ने इनके हिसाब से नाऊज़ु बिल्लाह कोई नामुनासिब बात का हुक्म अता फरमाया है। सूरतुल माईदा की आयत नंबर 14 क्या है वो मैं आपके सामने सुना देता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फअग्रैना बैनहुमुल अदावता वल बग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह फरमा रहे हमने इनके दरमियान, ये यहाँ पे जिक्र इनका ईसाइयों का चल रहा है, अल्लाह फरमा रहे हमने इनके ईसाइयों के दरमियान उभार दी। क्या उभार दी? दुश्मनी और अदावत आपस में, अकीला यौमिल क़ियामा, क़ियामत तक ये आपस में लड़ते रहेंगे। अल्लाह कह रहे हैं हमने इनके दरमियान क्या उबार दी? दुश्मनी। ये क़ियामत तक लड़ते रहेंगे सारे आपस में। ये मजमून है यहाँ पर। अब इससे उन्हें तकलीफ है कि दुश्मनी उबार दी, लड़ते रहेंगे। तो सबसे पहला सीधा जवाब जो आपने पहले सुन लिया कि यहां वालों को तकलीफ जो हो रही है वो कोई भी ईसाई नहीं, और इस आयत पाक का ताल्लुक किससे है? ईसाइयों से, ना कि किसी गैर मुस्लिम से। केस ही खत्म हो गए, मामले ही अलग है इसका। आयत पाक का ताल्लुक ईसाइयों से है, अल्लाह उनके बारे में कह रहे हैं कि ये लड़ते मरते रहेंगे आपस में, लिहाजा इसको यहाँ के गैर मुस्लिमों के साथ जोड़ के दिखाना कि देखो कुरान कह रहा है कि ये सब आपस में गैर मुस्लिम लड़ते मरते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान इनके बारे में नहीं कह रहा, बल्कि कुरान किनके बारे में कहता है? ईसाइयों के बारे में। अच्छा चलिए, किसी के भी बारे में बहरहाल है तो ईसाइयों के बारे में भी क्यों है, उसकी जरा वजाहत सुन लें।
अल्लाह ने यहाँ पर इनके बारे में जो ये बात कही है आयत शुरू से लेके अल्लाह कह रहे वइन अखदना मीसाकहुम फनसु हज़्ज़ मिम्मा ज़ुक्किरु बिह। अल्लाह कह रहे हैं हमने इन ईसाइयों से वादा लिया था लेकिन ये अपना वादा भूल गए। और क्या वादा लिया था? इनके जो नबी हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो कह के गए थे कि मेरे बाद एक नबी आएंगे और नाम बताया था, सब कुछ बता के गए थे कि तुम उन पर ईमान लेकर के आ जाना। इन सब ने क्या कहा था कि ठीक है हम जब वो आएंगे मान लेंगे उनको। सारी अलामतें लिखी थी, सारी बातें, लेकिन जब नबी आए तो इन्होंने मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और क्यों किया इनकार? वो वजह भी आप इत्तेफाक से यही मजमून आप कई हफ्ते से सुन रहे हैं। इनकार करने की वजह थी कि क्या बदल गया? खानदान बदल गया, दूसरे खानदान में नबी आ गए, इसलिए इनकार कर दी। तो ये इनकार करने की वजह पाई गई। इस इनकार की वजह से अल्लाह ने फरमाया कि तुमने चूंकि अपने वादे के खिलाफ किया इसलिए तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत रहेगा और हमेशा तुम कियामत तक लड़ती रहोगे। अब बताइए क्या गलत है कि वादा खिलाफी की है, जान पूछ करके हुजूर का इनकार किया है, पहचान गए थे हुजूर को तब भी हुजूर को नहीं माना, इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे दरमियान लड़ाई को डाल दिया गया, क्योंकि तुमने हमारे नबी का इनकार किया इसलिए तुम भी सुकून से नहीं रहोगे। तो इसमें क्या हर्ज की बात है? और आप यकीन जानिए हैरान होंगे, अल्लाह ने तो कुरान पाक के अंदर ये निजाम बताया था लेकिन ये पेशिंग वही कुरान की हर बहर फैसी सादिक आई कि इस वक्त में ईसाइयत के ऊपर जो तआरुफ पे किताबें लिखी गई हैं, आप हैरान होंगे इतने फिरके किसी मसलक और मजहब के अंदर नहीं पाए जाते जितने फिरके ईसाइयत में मौजूद हैं। हम और आप तो यही समझते हैं कि शायद हम मुसलमानों में सुन्नी बरेलवी शिया अहले हदीस इसी में, नहीं हमसे ज्यादा तो गुरु और भी हो रहे हैं, बहुत सारी जगह पे इससे ज्यादा हालात खराब है, ईसाइयत के अंदर इससे ज्यादा बुरे हालात हुए हुए हैं। और हमारे अइम्मा किराम ने तस्लीम किया है कि जिस वक्त में अल्लाह ने ईसाइयत को एक जमाने में गलबा दिया था इतने इख्तिलाफात बढ़े थे, इतने इख्तिलाफात कि ईसाइयों ने अपने ईसाइयों को आपसी फिरकों के इख्तिलाफ की वजह से कत्ल किया और कत्ल होने वालों की तादाद 1.25 करोड़ तक पहुंचती है। कितनी? 1.25 करोड़ तक, जो किताबों में तारीख इनकी महफूज है, आपसी में निपटाया एक दूसरे को। तो अल्लाह ने वही बात कही थी कि तुमने मेरे नबी का इनकार किया, जान करके हुजूर को झुठलाया, तो तुम भी हमेशा आपस में झगड़ते ही रहोगे। तो यही बात यहाँ पर जिक्र की गई है, तो फिर इस पर क्या हर्ज होता है? और नऊज़ु बिल्ला, ये किसी गैर मुस्लिम के ताल्लुक से नहीं है, किसी के ताल्लुक से ये नहीं है, या किसी को सताने का कोई ऑर्डर नहीं है, ये तो अल्लाह ने अपने एक फैसला सुनाया, इस फैसले के ऊपर क्या दिक्कत की बात है? उसके बाद आगे आयत नंबर 19 से लेकर के 19वीं आयत से लेकर के और 26वीं तक इन्होंने वो सारी आयतें जमा कर दी जहां पर अल्लाह ने कियामत में इनकी पिटाई जिक्र की है कि काफिरों को क्या क्या सजाएं होंगी। बड़ा डर लग रहा है कि ये आयतें क्यों आ गई, इतनी पिटाई, इतनी सजाएं हमारे लिए कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें रखी गई हैं काफिरों के लिए। अब मैं बतौर नमूना एक दो आयतें आपको सुना देता हूं। सूरतुल निसा में आयत नंबर 56 है, उसको लिया है सबसे पहले नंबर पर। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की 56 नंबर आयत के अंदर इस मजमून के ताल्लुक से बात वाज़े फरमाई है। आयत सुने, अल्लाह इरशाद फरमा रहे इन्नल्लज़ीन कफरू बिआयातिना, कि जो हमारी आयतों का इनकार करते हैं सौफ नुस्लीहिम नारा, हम उन्हें आग में जलाएंगे। हम उन्हें काहे में जलाएंगे? आग में जलाएंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब खाल जल जाएगी बदलना हूं जुलूदन गैरहा, हम दूसरी खाल दे देंगे लिया ज़ूकुल अज़ाब, ताकि बड़ी वाला अज़ाब होता रहेगा। आग जलती रहेगी, खत्म होती रहेगी, आती रहेगी, ये सिलसिला चलेगा। ये आयत है।
इस तरह की इन्होंने 19 नंबर से लेके 26 तक ये सब आजाब की आयतें जिक्र की अपनी लिस्ट कि ये सब आयतें इतनी खतरनाक क्यों हैं। अब आप जाहिर सी बात है तमाम के तमाम मुसलमान खुद नॉर्मली तौर पर आप अगर गौर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा मजहब दुनिया में ऐसा है जहां पे जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर ना हो। कोई एक मजहब आप बता दें, ईसाइयत, उसमें तौरात इंजील, ईसाइयत हो, यहूदियत हो, गैर मुस्लिम मजहब हो, कोई सा भी हो, ईसाइयत में और यहूदियत में तो जन्नत और जहन्नम ही का जिक्र है सीधा, तौरात और इंजील में सैकड़ों मकाम पर। गैर मुस्लिम के अंदर आ जाइए, वहां पे आपने लफ्ज सुना होगा कि ये शख्स तो सीधा स्वर्ग में जाएगा और ये नरक में जाएगा। तो ये स्वर्ग और नरक क्या है बताइए? जन्नत और जहन्नम ही है ना, कौन से मजहब में नहीं है भाई? अब नरक में कौन जाएगा? नरक में तो वही जाएगा ना जो कानून को फॉलो नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है नर्क के अंदर ये भी सब मानते हैं कि टॉप की सजाएं होंगी, तो सभी मान रहे हैं, सभी मजाहिम में है। तो इस्लाम ने भी अगर ये कह दिया कि जहन्नम में सजाएं दी जाएंगी तो क्या हर्ज है? एक नॉर्मल सी बात है, आप किसी से भी कहें चाहे वो इस्लाम का मानने वाला हो या ना हो, ये जन्नत और जहन्नम और इस तरह की चीजें और स्वर्ग और नर्क ये नाम बदलने हैं लेकिन तसव्वुर हर मजहब के अंदर मौजूद है। लिहाजा सिर्फ इस्लाम को टारगेट करना कि इस्लाम ने यह हुक्म दिया है ये बहुत ज्यादती की बात है, ये तो सब जगह पे तालीमात है, लिहाजा ये कोई काबिले एतराज बात नहीं। बहुत सीधा सा जवाब है इन सब चीजों का। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा मामला ये कि चलो अगर है भी तो इन सब चीजों का ताल्लुक आखिरत से, दुनिया से तो नहीं है ना। यहाँ ये जो कहा जा रहा है कि आग में जलाएंगे, क्या दुनिया में कहा जा रहा है गैर मुस्लिमों को नऊज़ु बिल्लाह आग में जलाएं? नहीं, यहाँ तो उनके हुकूक बताए जा रहे हैं। आग में जलाना तो दूर की बात, थप्पड़ भी बिना वजह मारना जायज नहीं, यहाँ तो जरा सा भी हक मारना जायज नहीं करार दिया जा रहा। तो ये तो आखिरत का मामला है, दुनिया का नहीं। और हम और आप जो यहाँ पे रह रहे हैं वो दुनिया के एतबार से मामला थे। अगर दुनिया के एतबार से कहा जाता कि इनके साथ ये मामला करो तो ठीक बात, ये तो अल्लाह आखिरत का मामला जिक्र कर रहे हैं और वहां की हम क्या जिम्मेदारी ले सकते। दुनिया में इससे कोई फितने फसाद का मामला नहीं, आगे समझ। और तीसरी बात यहां पर मेरे जहन में एक बात आई कि आप ये गौर करें कि भाई सीधा सीधा इनसे ये कहो ना कि तुम मानते कब हो आखिरत को। कुरान ये कह रहा है कि आखिरत में ही आजाब होगा, लेकिन इनका अकीदा है आखिरत का? है ही नहीं अकीदा है आखिरत। जब तुम्हारा अकीदा आखिरत का है नहीं तो मान क्यों रहे तुम भाई? जब कुरान की आयतों पे इतराज है, कुरान को तस्लीम नहीं करते, तो सीधा इसका इनकार करो ना तुम कि आखिरत को हम मानते ही नहीं। इसका मतलब तो ये हो रहा है कि जितना अकीदा मुसलमानों का है उससे ज्यादा तो इनका अकीदा मजबूत है इस पे कि पिटाई तकड़ी हो रही है। अरे मजबूत समझ गए ना, वरना उनके मसलक के एतबार से तो ये बात है ही नहीं। तो है ही नहीं तो उन्हें तो कहना चाहिए कुछ भी जिक्र कर दो तुम, ये तो सब फेक है, उन्हें तो ये कहना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं इतनी सख्त सजाएं हम क्यों दी जा रही हैं? भाई इसका मतलब तुम अकीदा है आखिरत को मान रहे हो, बात समझ गए ना। लिहाजा कोई एतराज की बात नहीं बनती। और कुरान पाक ने जो मजमून जिक्र किया है हम सीधा सीधा कहेंगे कि ये आखिरत से ताल्लुक रखता है। और जब आपका ईमान आखिरत पे है ही नहीं तो तकलीफ किस बात की है? इसकी टेंशन तो वो ले जिसका ईमान आखिरत पर हो। ये थे आयाते मुबारका। अब ये इनकी सारी जो आयाते 26 नंबर तक सब आजाब के ताल्लुक से हैं। हर एक को क्या मैं आपके सामने अलग अलग जिक्र करूं, ये बतौर नमूना मैंने सूरतुन निसा की 56 नंबर आयत पेश कर दी। इसी तरह से वो बाकी आयाते मुबारका है, सबके अंदर आजाब का जिक्र है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से इसका भी जवाब हमारे सामने आ गया। पहला जवाब बताया कि ये तो हर मजहब में जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर है, इस्लाम ही के ऊपर क्या है
اعتراض کرنا اور دوسری بات یہ کہ یہ عقیدہ آخرت ہے اور جب تمہیں عقیدہ آخرت ہی تسلیم نہیں تو اس عذاب سے ٹینشن کیا لینی تو بنیاد ہی نہیں ہے تو اس لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا مکمل ہو گئی نا 26 آیت تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ آیات مبارکہ بھی اللہ نے پوری کرا دی اعتراض کرنے والوں کے اعتراض سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہی بات ہے جو میں پچھلے ہفتے کہا تھا کہ ان کے اعتراض کی وجہ سے مسلمانوں کو آیتیں سمجھنے کا موقع مل گیا آیات مبارکہ سمجھ میں آ گئیں اور جن آیات کو سن کر کے آپ پہلے واقعی آپ بھی گھبرا جاتے ہوں گے کہ جہاں میں نے نپٹا دو تو اب آپ کو ان آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے کہ نپٹانے کی نوعیت کیا تھی کیا وضاحت تھی وہ سب اللہ کے فضل سے آپ حضرات نے سن لی اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ ہم سب کے لیے اس سلسلے کو مبارک فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اس درس کو قبول فرمائے آگے جو نظام ہے وہ آپ حضرات تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ اب چھٹی آ گئی ہے ایک مہینے کی خوشی تو نہیں ہو رہی نا ہر مرتبہ رمضان کا معاملہ میرا یہ رہتا تھا کہ رمضان المبارک میں رمضان میں کیا شب برات پر ہمارا آخری درس ہوتا تھا جو حضرات جڑے ہوئے واقف ہوں گے رمضان سے پہلے یہ جو عید و جمعرات وہ منگل آتے تھے اس میں درس نہیں ہوتا تھا لیکن اس مرتبہ اب بھی یہاں ہے اور اب انشاءاللہ یہ رمضان آنے والا یہ بھی ہمارا یہی ہوگا تو اس لیے اب ارادہ یہ ہوا کہ جب ہم پورے سال قرآن سے جڑے رہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں کہ جو اصل مہینہ ہے قرآن کا اس میں قرآن کو چھوڑ دیں یہ قرآن کے تعلق کے خلاف ہے اس لیے اللہ کی توفیق رہی اور انشاءاللہ معاملہ صحیح رہے تو انشاءاللہ ہم رمضان میں بھی درس قرآن جاری رکھیں گے شریک ہوں گے نا انشاءاللہ لیکن آپ گھبرائیں گے جی ہم تو کہیں تراوی پڑھتے ہیں اتنے بجے کہیں اتنے بجے کب ہوگا کیسے ہوگا اس کی ٹینشن نہ لیں دن یہی رہے گا لیکن درس انشاءاللہ عشاء کے بعد کی بجائے ظہر کی نماز کے بعد ہوگا درس قرآن اسی طرح سے خواتین کا بھی نظم رہے گا مرد حضرات کا بھی رہے گا اور یہ درس قرآن انشاءاللہ اگلے منگل سے ظہر بعد ہوگا رمضان اس کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد پھر اپنے معمول پر آ جائیں گے ظہر کی نماز آئندہ ہفتے یہاں پر 2:30 بجے ہے تو 2:30 بجے اپنے کاموں سے فارغ ہوں یہ ترتیب بنائیں اور انشاءاللہ 2:30 بجے سے نماز سے فارغ ہو کر کے سنتیں پڑھتے ہی فوراً درس شروع ہوگا اور 1 گھنٹے کا درس ہوگا اس کو مختصر کیا جائے گا ورنہ آپ کی افطار میں خلل ہوگا اس لیے اس کی فکر نہ کریں کہ شاید جیسے آج کل 1.5 گھنٹہ پورا لگتا ہے ایسا لگے گا 1.5 گھنٹہ نہیں صرف 1 گھنٹے کا درس ہوگا اور 1 گھنٹے کے درس کے بعد انشاءاللہ فارغ ہو جائیں تو شریک ہوں گے نا انشاءاللہ ہو سکتا ہے پہلے ہی روزے میں ہم لوگوں کا منگل کو پہلے ہی روزہ ہو اور اسی میں درس کی نوبت آ جائے تو انشاءاللہ ظہر کے بعد درس قرآن ہوگا اہتمام سے اپنے کاموں کو نپٹائیں شیڈیول بنائیں اور شریک ہونے کا اہتمام کریں کیونکہ رمضان کا تعلق قرآن سے بہت زیادہ ہے اس لیے ہمیں ویسے بھی جوڑنا چاہیے اور رمضان کے تعلق سے تو اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے تو نظام بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ ترتیب آسان ہو جائے گی اور آئیں گے کتنے 3-4 دن کی بات ہے پورے مہینے میں 4 منگل زیادہ سے زیادہ آنے تو 4 دن پورے رمضان میں ہم قرآن کے لیے 1 گھنٹہ ہر ہفتے ضرور نکال لیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا کرتے